प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप आपकी क्लास आज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो हमें पता है कि आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका सी डबल बॉन्ड ओ, या आपका क्या होता है कार्बोनाइल ग्रुप। क्या होता है आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप आप में, तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर आपका जो कार्बन होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है आपकी एस पी टू। क्या होती है आपकी एस पी टू। और कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। तो सिंपल आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास आपको यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने, टू पेयर ऑफ लोन पेयर। सेकेंड क्या आपका, आपका इसके अंदर क्या होगा, आप जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें आपके थ्री सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, थ्री, 1 2 3 और एक पाई। तो क्या मिलेंगे आपको, थ्री सिग्मा और वन पाई, थ्री सिग्मा और वन पाई बॉन्ड। दूसरा आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसमें आपकी जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपकी जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसलिए इसके जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या आपके जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, आपके ऑक्सीजन की तरफ, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की। तो आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव। तो क्या बात समझ में आई कि आपका जो कार्बन है यहाँ पे वो काम करता है आपका लैविस एसिड की तरह, किसके तरह, और आपका ऑक्सीजन है वो काम करता है आपका लैविस बेस की तरह। सिंपल सा एसिड का ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये आपका काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसकी तरह आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये सिंपल सा था आपका, सिंपल क्या आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या होते हैं, थ्री सिग्मा बॉन्ड और वही वन पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं आपके, टू पेयर ऑफ लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। थ्री सिग्मा बॉन्ड होंगे, वन पाई बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है कार्बन से। सो ड्यू टू ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन आपका एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन एक्वायर करता है आपका पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बन सेंटर है यहाँ पे वो काम करता है लेविस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो ऑक्सीजन सेंटर है आपका वो काम करता है लेविस बेस या न्यूक्लियोफाइल की तरह। सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो सिंपल सा मतलब क्या समझ में आया, जो कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड। क्या हो जाता है आपका, पोलराइज्ड। तो ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इसका आपका जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स होता है क्या होता है, उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट, क्या होता है, उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। क्योंकि पोलराइजेशन के कारण
आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्यों क्यों पोलराइजेशन क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक पोलराइजेशन हो जाएगा। तो पोलराइजेशन के कारण आपका जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके किस्म पर क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट आ जाता है। और हाई पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, आपकी हाई पोलैरिटी होने का एक रीजन ये भी बोल सकते हैं हम कि ज्यादा पोलैरिटी, क्या इसकी ज्यादा पोलैरिटी है, क्यों, ड्यू टू रेजोनेटिक इन्वॉल्विंग, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इन्वॉल्विंग हो जाएगी सिंपल से। जैसे जैसे आपके इसके साथ ही ग्रुप जुड़ेंगे तो उसमें आपकी पोलराइजेशन और भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? जितना ज़्यादा आपका, जैसे आपके जो ग्रुप अटैच होंगे कार्बोनाइल के यहाँ और यहाँ, वैसे वैसे उसकी पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।